नमस्कार दोस्तों, मैं हूं यश तिवारी। आप देख रहे हैं क्रिकेट फटाफट का 545वां एपिसोड। आज 20 फरवरी की तारीख है और रोज की तरह आज भी आईपीएल और क्रिकेट जगत के हवाले से दिन भर की 10 बड़ी खबरें लेकर हम हाजिर हैं। बहुत सारी रिपोर्ट्स आई है, सारी खबरें बताएंगे। एंड तक वीडियो को देखें दोस्तों, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। आईपीएल की तमाम खबरें हर रोज सबसे पहले आपके फोन पर पहुंचाते हैं, तो आपको कुछ भी नहीं करना है, लाइक और शेयर करना है इस वीडियो को। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएं। चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। आज दिन भर की पहली बड़ी खबर के हवाले से, मुंबई इंडियंस की टीम ने जोफ्रा आर्चर को खरीदा था और मुंबई इंडियंस के सोर्सेस के हवाले से कुछ बड़ी खबर आई है। रिपोर्ट यह है कि मुंबई इंडियंस और जोफ्रा आर्चर के बीच ये जो साइनिंग कॉन्ट्रैक्ट और ये जो खरीदी बिक्री हुई है, ये लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट है और मुंबई की टीम आने वाले आईपीएल में भी लगातार रिटेन करेगी जोफ्रा आर्चर को। तो भले ही वो इस साल ना खेले, लेकिन एक फ्यूचर पर्सपेक्टिव के रूप में जोफ्रा आर्चर को साइन किया है मुंबई इंडियंस की टीम ने। ये मुंबई इंडियंस के सोर्सेस के हवाले से रिपोर्ट है। लगातार सवाल उठ रहे थे कि भाई आखिर किया क्यों है जब वो खेलेंगे ही नहीं, तो इसको लेकर ये रिपोर्ट थी। क्योंकि मुंबई के हिसाब से अगर इस साल एमआई नहीं खरीदते आर्चर को, तो अगले साल आर्चर जब खेल रहे होते तो लगभग 15-17 करोड़ में मिलते। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं दिन भर की दूसरी बड़ी खबर की। तो इंडिया वेस्ट इंडीज तीसरा T20 मैच आज खेला जाएगा और आपके पास मौका है माई 11 सर्कल ऐप पर अपनी जेबें भरने का। मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दी, जैसे ही आप नीचे वाली लिंक खोलेंगे आप एलिजिबल हो जाएंगे 1,00,000 रुपए के गिव अवे के लिए। जी हां दोस्तों, तीसरे T20 मैच के लिए 1,00,000 रुपए का गिव अवे चल रहा है। अगर आप डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स वाली लिंक खोलेंगे, नीचे जो मैंने लिंक डाली है, तो ही आप एलिजिबल हो पाएंगे। नीचे वाली लिंक खोलने से आपको फ्री में 1,500 रुपए 20% का स्पेशल डिस्काउंट मिलता है। साथ ही दोस्तों, वीवीएस लक्ष्मण ने आज के T20 मैच के लिए भी अपनी टीम बनाई। अगर आप वीवीएस को हराएंगे तो जीता हुआ उनका 5 गुना कैश खाएंगे। साथ ही दोस्तों, आज ग्रैंड लीग में अगर आप जीतते हैं तो थार, महिंद्रा थार जीतने का भी मौका है। तो यार इतने सारे ऑफर है, एक अकेला बेचारा मैच है, वो मैच आज है। तो देर मत करना, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से खोलिए, माई 11 का भी डाउनलोड कीजिए। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बात करते हैं दिन भर की तीसरी बड़ी खबर की। तो मार्क वुड जो कि इंग्लैंड के तेज तरीन गेंदबाज, उनके हवाले से कुछ बड़ी रिपोर्ट आई है, बड़ी खबर आई। उन्होंने कहा है, आईपीएल कॉन्ट्रैक्ट फील अनरियल लाइक अ कंप्यूटर गेम। 7.5 करोड़ रुपए में लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम ने इन्हें खरीदा था और उसके बाद तो मार्क वुड का ये बयान आया है कि आईपीएल का ये जो कॉन्ट्रैक्ट है ये उन्हें अनरियल लगता और कंप्यूटर गेम की तरह लगता है। जाहिर है इंग्लैंड में इतना पैसा नहीं है क्रिकेट में, और 7.5 करोड़ रुपए जब आपको मिलते हैं तो आप इसी तरह की बातें करते हो, इनके लिए एक लाइक तो बनता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बात करते हैं दिन भर की चौथी बड़ी खबर की। तो गुजरात के फैंस जरूर लाइक कर देना इस खबर को सुनने के बाद, क्योंकि आज शाम 5 बजे गुजरात टाइटंस की टीम का लोगो अनवील्ड होने वाला है। जैसा कि मैंने कहा था कि आने वाले 2-3 दिन में हो जाएगा, तो आज शाम को लोगो अनवील होगा एंड वी विल गोइंग टू सी अ लॉट मोर रिलेटेड टू द गुजरात टाइटंस, बिकॉज अब जर्सी भी बहुत जल्दी इनकी आएगी और लखनऊ की टीम के बारे में भी बहुत जल्दी रिपोर्ट्स आएगी। तो लाइक और शेयर करके रखिए वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, क्योंकि सारी खबरें फटाफट बहुत जल्दी अब आती रहेंगी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बात करते हैं दिन भर की पांचवी बड़ी खबर की। तो आईपीएल के शेड्यूल के हवाले से ये रिपोर्ट है। दरअसल दोस्तों, आईपीएल को शेड्यूल जो है नीलामी के बाद से ही लगातार बज क्रिएट होने लगी थी आईपीएल के शेड्यूल को लेकर, और अब 25 मार्च से 28 मई ये वो शेड्यूल को लेकर हम बोल सकते हैं बहुत पुख्ता रिपोर्ट है, पुख्ता अपडेट है कि 25 मार्च से 28 मई के बीच आईपीएल चल सकता है और 25 मार्च को पहला मैच होगा। इसको लेकर तो लगातार रिपोर्ट्स थी, मैंने भी आपको बताया था, बट नाउ वी आर गेटिंग अ टाइम फ्रेम दैट कि 25 मार्च और 28 मई को फाइनल हो सकता है। अगली रिपोर्ट, अगली खबर भी इसी से शेड्यूल से जुड़ी हुई। बात करते हैं छठवीं बड़ी खबर की। तो आईपीएल के वेन्यू भी कंफर्म हो गए हैं। 4 मुंबई के वेन्यू जो बुरबॉन स्टेडियम, डीवाई पाटिल स्टेडियम हो गया है, उसके बाद वानखेड़े स्टेडियम है, तो 4 मैदान इस तरह से मुंबई में है, 1 पुणे में होगा। तो पूरा आईपीएल जो है वो इन 5 मैदान पर होगा और जो फाइनल होगा और प्लेऑफ के राउंड्स जो हम बोल सकते हैं वो अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेले जाएंगे। तो आईपीएल के वेन्यू और शेड्यूल को लेकर ये अब तक की सबसे बड़ी अपडेट है। तो हमें यहाँ पर शेड्यूल की टाइमिंग पता लग गई 25 मार्च से 28 मई और वेन्यूज भी पता लग गए। हालांकि नीलामी से पहले कयास यही लगाए जा रहे थे, बाद में ऐसा हुआ कि पूरे देश में होगा, बट ये जरूर एक चीज निकल कर आई है कि ये जो वेन्यूज है इसमें कुछ ऑडियंस की एंट्री भी हो सकती है। तो हो सकता है कि शायद मुंबई पुणे में ही हो, लेकिन बहुत ज्यादा सख्त बायो बबल हमें ना देखने को मिले, बिकॉज कोविड चला गया है, जाती हुई लहर। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बात करते हैं दिन भर की सातवीं बड़ी खबर की। तो ये रिपोर्ट आ रही है,
चेन्नई सुपर के हैंगरकर के बारे में। चेन्नई सुपर किंग्स की टीम ने हैंगरकर को खरीदा था जो कि बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रहे थे रिसेंटली अंडर 19 वर्ल्ड कप में देखो ऑलराउंडर के रूप में। बाद में एज फ्रॉड में अपनी एज गलत बताने और एज को छुपाने, क्योंकि अंडर 19 में 19 साल से छोटे ही खेल सकते हैं और उनकी एज शायद 19 साल से ज्यादा, उसमें ये फंसे हुए हैं। लेकिन रिपोर्ट ये है जैसा कि मैंने कहा बीसीसीआई जो है वो शायद कोई एक्शन लेने के मूड में नहीं है, तो रिपोर्ट यह है कि बीसीसीआई कोई भी एक्शन हैंगरकर पर नहीं लेगा। तो हम यहां से ये बोल सकते हैं चेन्नई सुपर किंग्स ने ये जो दाव खेला है ये सक्सेस हो गया है, क्योंकि कोई एक्शन नहीं होगा तो चेन्नई सुपर किंग्स को ये खिलाड़ी मिलेगा नीलामी में, नीलामी के बाद अब खेलने के रूप में। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं दिन भर की आठवीं बड़ी खबर की। तो सरफराज खान जो कि 9 करोड़ रुपए में पंजाब किंग्स की टीम में बिके थे, उनका फॉर्म खराब होने का नाम नहीं ले रहा है, क्योंकि इस समय रणजी ट्रॉफी में खेलते हुए 194 रन की इन्होंने पारी खेली है। तो पंजाब किंग्स की टीम दुखी भी है खुश भी है। दुखी क्यों है? क्योंकि रिलीज कर दिया था, बड़े सस्ते में रिटेन हो जाते। और खुश क्यों है? क्योंकि फिर से मिल गए 9 करोड़ में, तो 4 करोड़ रुपए में मिल सकते थे, रिटेन हो सकते थे, वही खिलाड़ी को 9 करोड़ में खरीदना पड़ा। हालांकि अच्छी बात यह है कुछ भी हो शाहरुख खान का प्रदर्शन आ रहा है, लेकिन एक चीज जरूर बताइए, क्या और दूसरी टीम डिजर्व करते थे शाहरुख खान? क्या ऐसी टीम में जगह मिलनी चाहिए थी जिसमें बाकी प्लेयर्स अच्छे हो, जिससे शाहरुख खान को एक अलग लेवल का स्टेज मिले? अब अपनी राय जरूर देना। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं दिन में की नौवीं बड़ी खबर की। माइकल वॉन ने आरसीबी की टीम को कुछ सजेशन दिया है, लेकिन ये सजेशन आरसीबी मानेंगे नहीं, क्योंकि आरसीबी ऑलरेडी मान चुके हैं। माइकल वॉन कह रहे हैं कि फाफ डू प्लेसिस को नया आरसीबी का कप्तान होना चाहिए। हालांकि बता दूं मैं आपको ये बात कि ऑलरेडी आरसीबी इस बात को कंफर्म आउट लगभग कर चुकी है कि फाफ डू प्लेसिस ही इनके अगले कप्तान होंगे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बात करते हैं दिन भर की दसवीं बड़ी खबर की। जेम्स फॉकनर ने पीएसएल लीव कर दिया। पीएसएल में एक बड़ा घटनाक्रम हमें देखने को मिला हुआ दोस्तों, ये कि पाकिस्तान सुपर लीग में जो है कह लेना कि पैसों का मसला था या फिर मैनेजमेंट का मसला था, जेम्स फॉकनर नाराज हो गए। और नाराजगी का कारण यह था कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने उनके कुछ पैसे, बचे हुए पैसे जो खेलने के लिए पैसे होती है, फीस होती है, वो नहीं दिए थे, जिसको लेकर जेम्स फॉकनर गुस्सा भी हो गए। उन्होंने होटल में तोड़फोड़ भी करी, रिपोर्ट आ रही, और वो वापस चले गए ये कहकर कि अब वो कभी पीएसएल खेलने आएंगे नहीं। बाद में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने भी कह दिया कि जेम्स फॉकनर को अब कभी नहीं लाया जाएगा। अब इससे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की छवि तो धूमिल हुई है, लेकिन इसमें कौन सही है कौन गलत है ये तो समय बताएगा। ये तो थी भाई दिन भर की 10 बड़ी खबरें। कमेंट बॉक्स में जरूर बता रहे इनमें से कौन सी खबर आपको अच्छी लगी, कौन सी नहीं, क्यों यूट्यूब ने कमेंट बॉक्स आपके लिए दिया। कमेंट जरूर कीजिए, अपनी राय जरूर लिखिए। माय 11 सर्कल ऐप पर अपना अकाउंट जरूर बना लीजिए, डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक है, क्योंकि 1500 रुपए 20% का स्पेशल डिस्काउंट, 1,00,000 का गिव अवे। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइए। गेम इन्वॉल्व्स एन एलिमेंट ऑफ फाइनेंशियल रिस्क एंड मे बी एडिक्टिव, प्लीज प्ले रिस्पॉन्सिबली एंड एट योर ओन रिस्क। इस गेम में वित्तीय जोखिम की संभावना शामिल है और इसकी लत लग सकती है, कृपया जिम्मेदारी से और अपने जोखिम पर खेले।